उसका कक्षा 12 के सिलेबस में हमें, और आज डे 196 में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें अगला चैप्टर वो है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम परमाणु की बात करेंगे, परमाणु में नाभिक की बात करेंगे, परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय वेग की बात करेंगे, उनके त्रिज्या की बात करेंगे, उनमें जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तरंगें किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति क्या होती है, इन सब बातों को सोल्व करेंगे। जिसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सोल्व करेंगे हम पहले, और फिर उसके बाद बोर परमाणु मॉडल का यूज़ करेंगे। सिंपल सिंपल सारी बातें हैं जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में काम आती है। कक्षा 11 में केमिस्ट्री में आता है ये पूरा पार्ट, और कक्षा 12 में अब हम पढ़ ही रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में। अब देखो इसमें शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एक बात और, इसमें से क्वेश्चन जो है आता है बोर्ड परीक्षा में वो किस प्रकार से आता है, एक एटॉमिक फिजिक्स और अगला चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। दो चैप्टर हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही है दोनों में से, लेकिन एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से लिया जाता है। वो जो क्वेश्चन है वो इन दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, इन दोनों में से कहीं से। तो इसमें से हम कुछ 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक हैं जो थोड़ा सा डेरिवेशन पोर्शन है। इसमें से भी, इसमें भी 1-2 टॉपिक इसमें है जो थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो इन दोनों में से या तो इसमें से वो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है या इसमें से यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है, वो हम बात कर लेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे, तो बात कर लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन जो है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो पूरे चैप्टर में कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए इन दोनों चैप्टर में भी छोटी छोटी बातें ज़्यादा हैं। 4 नंबर का यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है या 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से आता है, यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से नहीं आएगा, दो क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता भाई इसी में से आ जाएगा या किसी में से आएगा, किसी में से भी आ सकता है। तो दोनों के ही डेरिवेशन पार्ट थोड़े थोड़े या ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई, उनके आधार पर उनको मॉडल कहा गया कि जिन्होंने जो उसमें निष्कर्ष निकाले उसको कह दिया उसका मॉडल, यानी उसके अंदर उसके द्वारा दी गई बातें सारी उसमें हैं। थॉमसन ने सबसे पहले क्या बताया, केवल एक बात बताई थी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज, ठीक है, सीड्स इन वाटरमेलन, जिस तरह तरबूज में बीज होते हैं, जिस तरह लड्डू में इलायची के दाने होते हैं, उस तरह से ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में। तो वहाँ वो जो स्थितियाँ हैं तरबूज में बीज होना, तो वो क्या है, वो वहाँ कोई फिक्स नहीं है भाई यहीं बीज होगा, कहीं पर भी हो सकता है वो, इसलिए यहाँ कोई निश्चितता नहीं थी कि कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ जो है प्रोटॉन होगी, कुछ नहीं बताया गया। केवल इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक बात कही गई कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, परमाणु किस प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे तरबूज में बीज, बस केवल, इसलिए इसका ज्यादा यूज भी कहीं नहीं होता और नहीं इसके द्वारा कुछ सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, नहीं कर सकते इसका कहीं। फिर दूसरी बात आती है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें हम बात करेंगे कि क्या हुआ था, उसमें कुछ निष्कर्ष आते हैं और उसका थोड़ा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसे रदरफोर्ड
न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। नाभिकीय मॉडल क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसमें नाभिक के बारे में बताया गया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इसमें, जो नाइन्थ में भी आता है, इलेवंथ में भी आता है, ट्वेल्थ में भी अपने है। यहाँ ज़्यादा कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें से नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन हमें यह बताओ कि क्या इसके अंदर था और क्या इससे निष्कर्ष लिए गए थे, वो दो बातें हम शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ यहाँ ये लिया गया अल्फा पार्टिकल सोर्स, यहाँ रखी गई एक सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल, और इसके सामने रखा गया एक स्क्रीन पर्दा जिस पर क्या था, जिंक सल्फाइड का लेप था। ये क्या है, जिंक सल्फाइड लेपिंग स्क्रीन या पर्दा। ये क्या है, ये है गोल्ड फॉइल। इसका जो साइज है वो माइक्रोमीटर में था, लगभग माइक्रोमीटर ही कोटि का, 10^-10 मीटर। और यहाँ से अल्फा कण सोर्स, इस पर सोर्स से अल्फा कण आपतित करवाए गए, और फिर इसमें देखा गया, ऑब्जर्वेशन ली गई कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में हुआ और क्या फिर उसे निष्कर्ष निकाले गए। तो दोनों बातें हम साथ साथ ही कर लेते हैं। ये तो इसकी संरचना, इसकी व्यवस्था है, प्रायोगिक व्यवस्था क्या किया गया। ये अल्फा कण स्रोत है जिसमें अल्फा कण उपस्थित हैं, यहाँ से अल्फा कण आपतित करवाए गए इस पर सोने की पन्नी पर, और वहाँ से फिर वो किस पर आए, जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा पर्दे पर आए, तो वहाँ जाके टकराए, वहाँ क्या हो गया, वहाँ निशान बन गए। तो उस पर्दे पर हमें वो निशान दिखाई देंगे जिससे पता चल जाता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इधर आके टकराए, आया तो इसी रास्ते में था लेकिन वो यहाँ आके टकराए, तो फिर वो कितना विक्षेपित हुए, आ तो रहे हैं सारे समांतर, लेकिन कौन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में कितना मुड़ रहे हैं, उसके आधार पे इसके निष्कर्ष लिए गए। तो इसमें दो बातें हम करेंगे, एक बात करेंगे प्रेक्षण और दूसरी बात करेंगे निष्कर्ष। शॉर्ट में बात कर लेते हैं प्रेक्षण तथा निष्कर्ष। प्रेक्षण का मतलब है क्या ऑब्जर्वेशन लिया गया, क्या देखा गया, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, और निष्कर्ष का मतलब है कि उससे क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकले और क्या मॉडल बना। मॉडल का मतलब है उस बात की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित, उसको ही मॉडल कहते हैं। तो यहाँ प्रेक्षण, इसके ऑब्जर्वेशन क्या लिए गए, ऑब्जर्वेशन सबसे पहली बात, तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे चले गए, कहीं नहीं उसमें कहीं भी रिफ्लेक्शन किसी तरह का नहीं हुआ, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर गए। उसके बारे में हम सॉल्यूशन आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी दो तीन चीज़ें टॉपिक हैं अपने सिलेबस में कि कैसे मोड़े, उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, और उनके लिए कितनी नज़दीक दूरी पर वो जा सकते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या देखा गया, अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अगर कोई वहां पार्टिकल होगा तो कुछ ना कुछ तो वहां क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ ना कुछ लग गया। तो ज्यादातर तो बिना मुड़े सीधे निकल गए, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एटम जो है वो मैक्सिमम पार्ट उसका खाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतः परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ कोणों पर विक्षेपित हुए, और बहुत कम, लगभग 8-9 हज़ार में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री के कोण पे भी मुड़ा। इसका मतलब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है। कुछ तो क्या थे, कुछ तो थोड़े कोणों पर इस प्रकार से, कुछ तो अल्प कोणों पर विक्षेपित हुए, कुछ और कुछ क्या हुआ, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे 8,000 में से एक लगभग वो किधर मुड़ गया, 90 डिग्री पर मुड़ गया, ये स्थिति हुई, ठीक है। तो कुछ
बहुत कम निकले थे इसे, बहुत कम, लगभग 8000 में से एक कण 90 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। और तीसरा, और भी कम पार्टिकल जो है वो लगभग 20000 में से एक जो है जिस पथ पर गया था उसी पथ पर लौट कर वापिस आ गया, यहां से गया और वापिस यहीं से मुड़ गए और वापिस आ गया। इसका मतलब कोण कितना बना, कोण बना 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे, बहुत कम पार्टिकल, जो क्या हुआ, जो अल्प कोण, जो 180 डिग्री कोण पर मुड़े, और वो मान कितना था, वो मान था लगभग 8000 में से एक, अल्प कण ऐसे थे जो 180 डिग्री कोण पर मुड़े। तो ये 8000 में से एक तो किस पे लिया, 90 डिग्री पर, ये लगभग इसका जो आंकड़ा था लगभग 20000 में से एक। वैसे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है ये, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्या हुआ 180 डिग्री कोण पर मुड़ा या विक्षेपित हुआ। अब इनसे क्या निष्कर्ष निकला, इनसे सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि अधिकांश भाग तो खाली होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ, उसके मध्य भाग की तरफ बढ़ते हैं परमाणु के, वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल बढ़ता रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उसका अधिकांश द्रव्यमान जो है वो उसी भाग में है, मध्य भाग में, और उस मध्य भाग को नाम दिया गया नाभिक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अतः परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान या समस्त द्रव्यमान उसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो इस तरह से ये है इसका नाभिकीय मॉडल, परमाणु मॉडल, जिसमें ये पता चलता है कि की क्या व्यवस्था थी और किस प्रकार से इसमें जो कोण है वो प्राप्त हुए। ज्यादातर तो बिना मुड़े सीधे निकल गए, और कुछ बहुत कम थे जो 8000 में से एक लगभग 90 डिग्री पर, और लगभग 20000 में से एक बहुत ही अल्प कण जो है वो किस पे मुड़े, 180 डिग्री कोण पर मुड़े। निष्कर्ष क्या है, दो बातें निष्कर्ष मुख्य निकलते हैं इसके, कि एक बात तो ये कि अधिकांश भाग खाली होता है, दूसरी बात ये कि इसके मध्य भाग में पूरा इसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक है। इसका मतलब परमाणु में नाभिक भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन ये अपने जनरल दे रखा है सिलेबस में, और हमें ये पता होगी तभी हम इसके आगे बात कर पाएंगे, इसीलिए है। बाकी एग्जाम के लिए देखें तो इसमें से कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि ग्राफ कोण का कणों की संख्या के साथ, ग्राफ कोण का कणों की संख्या के साथ, यानी जो जो कण जा रहे हैं कौन से, अल्फा कण जा रहे हैं, अल्फा कण, ठीक है, वो उनका ग्राफ किसके साथ कितने कितने डिग्री कोण पर मुड़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो ज्यादातर जो पार्टिकल है वो तो क्या है, देखो यहां से देखें तो ज्यादातर पार्टिकल इधर ले रहे नंबर ऑफ नंबर्स, ये कह सकते हैं जिनके लिए कोणों की बात कर रहे हैं वो नंबर, ठीक है, कण। तो ज्यादा कण जो है वो कम कोण पर मुड़े गए हैं, इधर क्या ले रहे हैं थीटा कोण के रूप में, तो ज्यादा कण जो है वो कम कोणों पर मुड़ रहे हैं, और जैसे 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 कोण का मान बढ़ रहा है, कणों की संख्या कम हो रही है ना, 8000 में से तो एक ही कण है जो 90 डिग्री पर मुड़ रहा है, फिर और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, जब कोण 180 डिग्री हो गया यहाँ तो और भी कम है कण, ठीक
ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ, ये ध्यान रखें कि किस में ग्राफ है, ये कणों की संख्या में, कणों की संख्या का कोण के साथ, कोण कौन सा, विक्षेपण कोण कह सकते हैं, विचलन कोण कह सकते हैं। अगर समझे इसको, ये नंबर ऑफ थीटा ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स में इसको, यानी किसके लिए कोण की बात कर रहे हैं, उनके लिए कणों की संख्या है ये, ठीक है। और इसका जो मान है, नंबर ऑफ थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin 4θ/2, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिलेशन पूछ ले रहे हैं तो ये रिलेशन भी हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक बार थोड़ा सा आप इसको जनरल डिस्कस कर लें, थोड़ा सा समझ लें, एक बार रिवाइज कर लें, और थोड़ी थोड़ी बातें जो लिखने वाली एक दो बातें वो लिख लें, फिर हम इसमें, अब इसके बाद जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।